हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही चटपटा चाट बनाया है, कटोरी चाट, जो देखने में सुंदर और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। फ्रेंड्स, इस चाट को बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। तीखी मीठी चटनी और कटोरी के साथ मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले मैंने इमली लिया है, 50 ग्राम इमली है वजन से, और इसमें 1 कप पानी डालकर इसको हम रख देंगे फूलने के लिए और ढक देंगे। तो जब तक ये फूल रहा है तब तक हम इसके साथ में आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कप सिर्फ मैदा लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है और 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मोयन देने के लिए अब इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिलाएँगे और दोनों हाथों की हथेली से थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर मिलाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से रगड़ते हैं ना, तो जो तेल और नमक है वो पूरी तरह से आटे में मिल जाता है। और मुट्ठी बना के देख लेंगे, बन रहा है तो हमारा आटा तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक डो गूंथ लेंगे, जो हमारा डो न बहुत नरम होगा और न बहुत कड़क होगा, मीडियम डो हमको गूंथ लेना है। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसको गूंथ लिया। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे, तब तक हम तीखी और मीठी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर इमली अच्छे से फूल गई है, मिक्सर में डालकर इसको पीस लेंगे, देखिए इस तरीके से, और एक बर्तन में इसको छानेंगे, छन्नी की मदद से, मोटी वाली जो छन्नी होती है ना उससे छान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने छन्नी में डाला और 1 चम्मच की मदद से इस तरह से घुमाते हुए उसको मैं छान रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को पहले एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सर में भी थोड़ा 1 चम्मच पानी डाल के इमली का सब पल निकाल लिया है और इसके रेसेस अलग हो गए हैं और इमली का पल अलग हो गया है। आइए इसकी चटनी बनाते हैं, जो मार्केट में मिलती है ना, खट्टी खट्टी मीठी मीठी ऐसे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है गरम करने के लिए, और उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, और मंगरिया डालेंगे 2 चुटकी लगभग। जैसे ही ये तड़क हो जाए उसके बाद हम हींग डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, और इमली का पल पूरा डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। जितनी जैसा चटनी आपको चाहिए रहेगा उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा भी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और लगभग यहाँ पे मैंने 50-60 ग्राम इसके अंदर गुड़ डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, और 2 चम्मच मैं चीनी डाली हूँ बड़ी चम्मच से, और इसको हम अब पकने देंगे। जैसे ही हमारा गुड़ पक जाता है, अच्छे से खोल जाता है, मिल जाएगा, तो हमारी ये मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। इस तरह से चटनी आप बनाकर रख सकते हैं। ये चटनी आप फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीना तक जाएगी, और फिर बिना फ्रिज के भी रखेंगे तो आपका 1.5 से 2 महीना आराम से जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही खट्टी मीठी ये चटनी देखिए हमारी तैयार हो गई है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, चटनी तैयार है मीठी वाली। तीखी वाली चटनी भी अब हम बनाते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो एकदम सुंदर चटनी तैयार हुई ना, तो थोड़ा सा लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और 2 चम्मच मूंगफली का दाना भुना हुआ, जो भी आप खाते हो उसको डालिएगा। यहाँ पे 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते, और 1 मुट्ठी मैंने हरी धनिया के पत्ते लिए हैं, 1/2 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ रही हूँ मैं इस तरीके से, और 4-5 चम्मच छोटे चम्मच से पानी डाल देंगे इसके अंदर। बाद में और पानी लगे तो और भी पानी इसको हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें तो देखिए यहाँ पे हमारी तीखी जो चटकारे वाली चटनी होती है ना, वो भी तैयार है। हमारी मीठी और तीखी चटनी दोनों तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, एकदम देखने में सुंदर। और देखिए यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से मुलायम हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, जिस तरह से रोटी के पेड़े बनाते हैं, तो जिस तरह से रोटी की लोई लेते हैं ना, सेम उतना ही लेना है।
और उतना जैसे हमारी रोटी पतली रहती है वैसे ही पतला इसको बेल लेना है। देखिए जिस हिसाब से हम रोटी करते हैं ना सेम उसी तरह से, और जो भी आपके घर में बर्तन हो कटोरी कैसे भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं ये कटोरी वाला चाट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से बेल लिया है और पतला कर लिया जैसे रोटी पतली होती है वैसे ही, और फोक की मदद से इस तरीके से सब जगह उसको डिप कर दिया है। और इस तरह से कटोरी मेरे घर में है तो मैं इस तरीके से इसको कवर कर रही हूँ कटोरी को, ना मैंने उसमें तेल लगाया है ना घी लगाया है फ्रेंड्स, और साथ ही में मैंने गैस पे तेल लग दिया है गर्म होने के लिए। और ये कटोरी जो है हमारी ये इस तरीके से मैंने सेट कर दी, और ऊपर से भी फोक की मदद से मैंने होल कर दिया था, और अब चाकू की मदद से इस तरीके से अंदर वाले पीस को काट कर निकाल देंगे। ये हमारी एक कटोरी तैयार हो गई है। तो तेल देख लीजिए ही गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखिए तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा मैंने डाला है और ये देखिए ऊपर की तरफ आ गया है। बस इतना ही मीडियम तेल हमारा गर्म रहना चाहिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तलना है, एकदम लो गैस पे नहीं तलना है फ्रेंड्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, गेहूं के आटे का आप बनाएंगे तो थोड़ा सा लाल हो जाएगा और मैदे के आटे का बनाएंगे तो लाल नहीं होगा। तो देखिए कटोरी के अंदर तेल जाए ऐसे ही इसको हमको डालना है जैसे मैंने अभी डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे अंदर तेल जाएगा वो भी गर्म होगा और ऊपर से भी ये तेल इस आटे को पकाएगा, हमारी कटोरी जो चाट की है उसको पकाएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए जैसे जैसे पकेगी ना ये अपने आप छोड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा सा देर में हमको हिलाना है फ्रेंड्स ताकि सभी जगह से वो गर्म गर्म तेल को पाए और कटोरी अपने आप धीरे धीरे छोड़ दे। देख लीजिए है ना एकदम आसान रेसिपी जो मैंने बताया आपको कटोरी चाट बनाने की, अपने आप ये कटोरी निकल गई। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ हमको आटे को कट करके निकाल देना है जो कटोरी के अंदर का है। तो देखिए इसका शेप कितना सुंदर आया है, और इसको इस तरीके से थोड़ा हम तल लेंगे अंदर की तरफ भी ताकि ये पूरा हमारा पक जाए कटोरी, दिख रहा है ना आपको एकदम मस्त वाला। फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी, एक लाइक तो यहाँ पे बनती ही है, लाइक तो ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और ऐसे ही कटोरी बना लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साथ 3-4 बना के रख लिया है और सब अंदर से अच्छे से कटिंग करके आटा निकाल दिया है, तभी वो कटोरी हमारी इस तरीके से छूटेगी। और तेल अंदर की तरफ डालते हुए इस तरीके से डाल दिया तलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पक रहा है अंदर का भी तेल थोड़ा थोड़ा खोल रहा है, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम घुमा देंगे ताकि चारों तरफ से ये हमारा पके। हमारी इस कटोरी को जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी ना वैसे वैसे वो अपने आप उसमें से छूटता भी जाएगा फ्रेंड्स। आप देख लीजिए कैसे कैसे ये अपने आप छूट रहा है, बस इसको थोड़ा थोड़ा घुमा देना है ताकि चारों तरफ से ये हर तरफ से पकने लगे। और हमको ना ये कटोरी को ही पकड़ना है, न कि हमारा जो आटा है कटोरी का उसको पकड़ना है। कटोरी को जब हम पकड़ेंगे तो धीरे धीरे वो छूटने भी लगेगी और अलग हो जाएगी, आसानी से अलग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आसानी से ही अपने आप निकल रही है कटोरी, और देखिए ये कैसे पक रही है, तो घुमा के हम पका लेंगे। तो कटोरी की ये चाट बनाने के लिए इस तरह से कटोरी आप पहले भी बना कर रख सकते हैं, एक दो दिन पहले आप ऐसे बना के एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, जब आपका मन करे तो ऐसे चाट बनाइए और खाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी बनके तैयार हो चुकी है, एकदम क्रंची कुरकुरी देखने में सुंदर लग रही है ना फ्रेंड्स, एकदम लाजवाब, ऐसे ही कटोरी खाने को मन कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ उबले हुए आलू है जिनको चौकोर पीस में काट के रख लिए थे, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। यहाँ पे मैंने कुछ मक्के दाने हैं जो मैंने उबाल के रखे थे उसमें मैं डाल रही हूँ। टमाटर बारीक काट लिया था मैंने, आपके पास चना हो तो चना भी उबला हुआ डाल सकते हैं या फिर मूंग भी डाल सकते हैं। थोड़े से प्याज है जिसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। चाट में तो जानते हैं कि कुछ भी चटपटा बनाने के लिए
प्याज टमाटर तो कितना ज़रूरी होता है, लेकिन जो चीज़ आप नहीं खाते स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक एक चम्मच दही डाल दिया है। अब मीठा चटनी हम डालेंगे इसके अंदर, तो मीठा चटनी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब उसके बाद तीखा चटनी डालेंगे। तो मीठी और तीखी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी वो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे कुछ बूंदी पड़ी थी तो मैं इसके अंदर बूंदी भी ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके घर में नमकीन हो वो नमकीन को आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यह चने की दाल थोड़ी पड़ी थी तो थोड़ा वो भी मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से चाट बनाइए, बहुत चटपटा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे बारीक नमकीन डाला है सेव मैंने। आपके पास आलू भुजिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, बारीक सेव जो रहता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेव डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से और डाल रही हूँ। ऐसे तो चटनी हमारी बहुत ही चटपटी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया मैंने और इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा चटनी डाल दिया चाट को और चटपटा बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से तीखा मीठा कर सकते हैं। और ऊपर से मैं मीठा चटनी और थोड़ा सा और डाल रही हूँ। देख लीजिए, देखने में सुंदर लग रहा है ना, तो खाने में कैसा लगेगा सोच लीजिए फ्रेंड्स। तो कब बनाने वाले हैं आप रेसिपी? ऐसे ही थोड़ा थोड़ा नींबू भी डाल देते हैं। तो चटपटा हमारा ये चाट तैयार है। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, कहाँ से देख रहे हैं ये बताइए।